आज किसी वीडियो में समझेंगे यहाँ पर हम थोरासेंटेसिस के बारे में कि थोरासेंटेसिस क्या होता है और थोरासेंटेसिस क्यों किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, किस कंडीशन में नहीं किया जाता है, और गाइस यहाँ पर थोरासेंटेसिस जो है इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि थोरासेंटेसिस क्या होता है। ये जो थोरासेंटेसिस है ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अराउंड में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए या फिर सैंपल कलेक्ट करने के लिए थोरासेंटेसिस प्रोसीजर किया जाता है। गाइस यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के अराउंड में एक कवरिंग होती है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं। ये जो प्लूरा होती है हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कैसे जो प्लूरा होती है इसमें दो लेयर होती हैं, एक पैराइटल लेयर, एक विसेरल लेयर, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। तो जो विसेरल और पैराइटल लेयर होती हैं इनके बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम प्लूरल स्पेस बोलते हैं या फिर प्लूरल कैविटी बोलते हैं। ऐसे जो प्लूरल कैविटी होती है इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। गाइस यहाँ पर ये जो प्लूरल फ्लूइड है, अगर किसी कारणवश पेशेंट कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें प्लूरल फ्लूइड जो है इनक्रीज हो गया है, लार्ज अमाउंट में इनक्रीज हो गया है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कि पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, सांस ले और यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। तो अगर यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो पेशेंट को कई सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड को रिमूव करने के लिए थोरासेंटेसिस प्रोसीजर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर है इसमें एक स्पेशल टाइप की निडिल होती है। ये जो निडिल होती है चेस्ट के बैक साइड से चेस्ट वाल को पंचर करके प्लूरल कैविटी में इंसर्ट की जाती है। गाइस यहाँ पर प्लूरल कैविटी में इंसर्ट करने के बाद फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि थोरासेंटेसिस प्रोसीजर क्यों किया जाता है, क्या इसका पर्पज होता है। गाइस यहाँ पर जो सबसे पहला पर्पज है ये है कि प्लूरल फ्लूइड का कल्चर टेस्ट करने के लिए थोरासेंटेसिस किया जाता है। कल्चर टेस्ट में ये पता लगाया जाता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, प्लूरल फ्लूइड में कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड का कल्चर टेस्ट करने के लिए भी थोरासेंटेसिस किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पर्पज है ये है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज हो गया और लार्ज अमाउंट में प्लूरल फ्लूइड हो गया है तो उस कंडीशन में उस प्लूरल फ्लूइड को रिमूव करने के लिए थोरासेंटेसिस किया जाता है। गाइस यहाँ पर अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें प्लूरल फ्लूइड इंक्रीज हो गया है तो उस कंडीशन में पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ब्रीथिंग प्रॉब्लम और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को कम करने के लिए थोरासेंटेसिस किया जाता है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर जो पर्पज है ये है कि प्लूरल फ्लूइड का एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस में ये पता लगाया जाता है कि प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट क्यों इंक्रीज हो रहा है। गाइस यहाँ पर दो कंडीशन हो सकते हैं प्लूरल फ्लूइड इंक्रीज होने के। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि प्लूरल फ्लूइड का जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो गया है या फिर प्लूरल फ्लूइड का सिक्रीशन इंक्रीज हो गया है। इन दो कंडीशन में प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पर्पज है ये है कि प्लूरल फ्लूइड के प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए भी थोरासेंटेसिस किया जाता है। सिंपल सी बात है कि अगर प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पर प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए भी थोरासेंटेसिस प्रोसीजर किया जाता है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन में थोरासेंटेसिस किया जाता है, जैसे कि ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स हो सकता है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में थोरासेंटेसिस किया जाता है, या फिर हीमोन्यूमोथोरेक्स हो सकता है और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में किया जाता है, या फिर प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन है तो इन कंडीशन में थोरासेंटेसिस प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर बात करते हैं कि थोरासेंटेसिस प्रोसीजर किन कंडीशन में नहीं किया जाता है, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। सबसे पहला यहाँ पर यह है कि जिस साइट पर थोरासेंटेसिस किया जाता है वहाँ पर अगर कोई लोकल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में थोरासेंटेसिस नहीं किया जाता है, या फिर
कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में यह है कि कोगुलेशन प्रॉब्लम उसको है। अगर कोगुलेशन प्रॉब्लम होगी तो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर करते समय उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, तो उन कंडीशन में थोरासेंटेसिस नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं जिनमें थोरासेंटेसिस प्रोसीजर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, कि यहाँ पर थोरासेंटेसिस प्रोसीजर करने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेशेंट में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, ठीक है, चेस्ट पेन हो सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर पेशेंट में ब्लीडिंग हो सकती है, और यहाँ पर गाइस पेशेंट में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन के साथ साथ पेशेंट में सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, तो यहाँ पर ये कुछ कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं। सो आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।